कुंडों के विकास कार्यों पर एनजीटी की रोक। मथुरा में करोड़ों रुपए की लागत से यूपी सरकार द्वारा किए गए ब्रज के कुंडों के विकास पर एनजीटी ने नाराजगी जताई है और अब ब्रज के तीनों प्रमुख कुंडों पर गाय विचरण के लिए स्थान बनाया जाएगा। ब्रज फाउंडेशन द्वारा जहां ब्रज के गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाले प्रमुख कुंडों को अखिलेश सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जारी कर तत्काल पैसा भी मथुरा की निजी संस्था ब्रज फाउंडेशन को जारी कर स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा के गोवर्धन आकर कार्य योजना का शिलान्यास किया था और करोड़ों की लागत से बनने के बाद ब्रज फाउंडेशन ने उपरोक्त तीनों कुंडों को अपनी निजी संपत्ति समझकर श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगा दी थी, जिसकी शिकायत जब स्थानीय जिला प्रशासन से की गई तो जिला प्रशासन ने उपरोक्त तीनों कुंडों से ब्रज फाउंडेशन के कब्जे को हटाकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया और निजी संस्था ब्रज फाउंडेशन की शिकायत एनजीटी में की गई। जिला प्रशासन की शिकायत पर एनजीटी ने उपरोक्त तीनों कुंडों को अब जहां आम लोगों के लिए खोल दिया है, वहीं अब एनजीटी उपरोक्त तीनों रुद्रकुंड, संकर्षण कुंड और रिनोमोचन सहित तीनों कुंडों पर अब गौघाट बनाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त तीनों कुंडों के सौंदर्यीकरण पर जहां स्थानीय जिला प्रशासन और एनजीटी आमने सामने हैं, वहीं उनके विकास और सौंदर्यीकरण पर खर्च हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बर्बाद होने के बाद एनजीटी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब स्थानीय लोगों में इसको लेकर खासा आक्रोश है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम गोवर्धन डीपी सिंह ने बताया कि ब्रज फाउंडेशन संस्था को नोटिस दिया गया था, 4 दिन में खाली करने का आदेश था। संस्था ने जगह खाली कर दी है और कुंड ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए हैं, वे इनकी सफाई कराने का काम करेंगे। माननीय एनजीटी के आदेश के क्रम में मैंने विनीत नारायण अध्यक्ष ब्रज फाउंडेशन को नोटिस दिया था और 4 घंटे उनको अल्टीमेटम दिया था खाली करने का। संकर्षण कुंड और ये रुद्रकुंड से सामान अपना जो भी है उनका वो हटा लें और मुझे कब्जा प्रधान ग्राम पंचायत दिलाना है। इसके क्रम में उन्होंने अपना सामान हटा लिया है और ये दोनों को उसको ग्राम पंचायत के प्रधानों को दे दिया गया। दोनों संकर्षकों ने मृत का कब्जा प्रधानों को दे दिया, ग्राम प्रधानों को। उनसे साफ सफाई एवं विशेषतया बच्चों के कुंड से दूर रहने एवं उनके देख रेख के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जहां भी सफाई के लिए उनको डीपीआरओ से सभी बात करके उनको संकर्षण कुंड में 2 आदमी दिलाए जा रहे हैं और विशेष ये ध्यान रखा जाएगा बच्चों के इसमें कि कोई इस तरह की कोई बात ना आने पाए कि बच्चे पानी तक जाएं और कोई हादसा हो जाए, इस बात के लिए भी सचेत कर दिया गया उनको। और विनीत नारायण के जो भी बोर्ड लगे हैं उसमें कुंड के बारे में जो भी जानकारी है वो तो रहेगी, शेष जहाँ जहाँ विनीत नारायण का नाम है और द ब्रज फाउंडेशन का संस्था का नाम है और उसके जो भी हैं उनका नाम उसको पुताई करके उसमें जो है दोबारा से लिखवाया जाएगा। संकर्षण कुंड में ग्राम जो है उसका ग्राम सभा हार्दिक स्वागत करती है, इसी तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे, उसमें काफ़ी परिवर्तन अभी दिखाई पड़ेगा और उनका कोई नामो निशान इन सब कुंडों में नहीं रहेगा और पूरा तो उसमें प्रधान के ग्राम प्रधान के उसमें हस्तक्षेप रहेगा और सारी लाइट लगाने के लिए भी ग्राम प्रधान को निर्देशित कर दिया गया है और अभी मैंने दोनों कुंडों को कब्जा दिला दिया है। शालिनी मिश्रा, शालिनी आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये जगह बहुत अच्छी है और यहाँ पे यहाँ का जो मतलब पूरा एनवायरमेंट भी बिल्कुल शांत है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए हम इधर आए ताकि हम लोग मतलब पिक वगैरह भी ले सके अपने फ्रेंड्स के साथ। इसलिए तो क्या कहते हैं ये जो कुंड है वो सुंदर लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत इसी वजह से आपने सेल्फी ली। अगर यही गंदगी होती तो क्या सेल्फी लेते हैं आपसे? यहाँ गंदगी होती तो शायद नहीं। अब अच्छा लग रहा है देखने। इस कुंड का नाम रेणमोचन कुंड है, हम बचपन में देखते थे यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, ब्रज फाउंडेशन की पहल से यहाँ इसको स्वच्छ साफ और यात्रियों के ठहरने के लिए बढ़िया व्यवस्था बना दी गई है। तो क्या पहले यहाँ गंदगी रहा करती थी, किस तरह का रहता था? पहले बहुत गंदगी रहा करती थी, कूड़े के ढेर हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, यहाँ से निकलने में दुर्गंध बदबू बहुत आती थी पहले। अब अच्छा लग रहा है देख के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यात्रियों की सुविधा की ओर से तो यात्रियों की क्या सुविधा मिलती है? यात्रियों को यहाँ ठहरने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, पेड़ पौधे गार्डन वगैरह जैसे। सोनू सैन, सोनू जी जिस तरह से ये कुंड है क्या स्थिति थी इसकी और गौघाट बनाने के लिए एनजीटी ने यहाँ आदेश किया है, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पर गौघाट बनाने के लिए इतनी जगह भी तो नहीं है, ठीक है, गौघाट बनाने के लिए इतनी जगह भी तो नहीं है। पहले क्या स्थिति थी इस कुंड में? पहले तो यहाँ नरक पड़ा हुआ था, लेकिन जब से ये तुम्हारे रणगोचर कुंड ब्रज फाउंडेशन वालों ने किया है तब से बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे ब्रजवासी यहाँ पे ये लगा लो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे कम से कम बैठ करके खाना पीना खा लेते हैं आराम से और आराम से बैठते हैं, अच्छी व्यवस्था की है।
जिस तरह से जो एनजीटी ने आदेश किए हैं उन आदेशों को किस तरह देखते हैं? अब देखिए एनजीटी गौघाट को लेकर जो आदेश है उसको देखिए, अब यहाँ पे गौघाट बनाने के लिए जगह भी तो नहीं है ना इतनी, ये मानो जीर्णोद्धार करा के अच्छा हुआ है इस कुंड का। हाँ बहुत अच्छा दिया है।